भारत और मालदीव के बीच बढ़ते विवाद में चीन के हस्तक्षेप ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है, क्योंकि चीन की नीति और रीति ड्रैगन जाल से दुनिया वाकिफ है कि कैसे चीन जो है छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उस इलाके को कैप्चर करके वो सामरिक लिहाज से उन इलाकों का इस्तेमाल करते रहा है। तो आज हम इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर भारत और चीन कौन है मालदीव का सच्चा और बेहतर बिजनेस देश। सबसे पहले चीन की ही बात करते हैं कि क्योंकि चीन का दावा है कि 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वो मालदीव के लिए वित्तीय मदद देगा, जिसका अधिकतर हिस्सा जो है राजधानी माले के सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा। और उसके बाद से दूसरा इलाका है हुलहुमाले, इस इलाके को भी टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करने का ये दावा चीन की तरफ से किया गया है। इसके लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात चीन कर रहा है। और ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पे चीन कह रहा है कि वो हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहेगा। खैर, चीन की नीति और रीति है, बाकी क्या सच्चाई है ये मैं आपको पहले ही लाइन में बता चुकी हूँ। लेकिन अब भारत की बात करते हैं। जब भी मालदीव्स पर संकट के बादल मंडराए हैं, हमेशा से भारत ने एक सच्चे और आदर्श पड़ोसी होने के नाते मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। चट्टान की तरह भारत खड़ा रहा है। कोरोना के संकट काल की बात की जाए, ना जाने कितने लाखों वैक्सीन जब मालदीव्स ने मांगे थे वो तो हमने दिए ही दिए, इसके अलावा हमने गिफ्ट के तौर पर भी मालदीव्स को अपनी तरफ से दिए थे। क्योंकि देखिए, मालदीव एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही मालदीव्स जाते हैं। 2023 का आंकड़ा तो जो है अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ ये आंकड़ा है। और अगर थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए तो 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से तो दोनों देशों के बीच व्यापार जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ा है। और द्विपक्षीय व्यापार में पहली बार जो आंकड़ा है वो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहुंचा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, रक्षा में हर एक छोटी से छोटी बुनियादी चीजों से लेकर रक्षा जैसे तंत्र में भारत की तरफ से अपना अहम योगदान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य का अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं तो 2019 में 2200 से ज्यादा मालदीवियंस जो है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भारत आए थे। उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से साइंस और रिसर्च में 10 सीटें आवंटित रखी गई है, 10 सीट रिजर्व स्पेशली मालदीवियंस के लिए। और विकास और बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो सबसे बड़ी परियोजना भारत सरकार की तरफ से ही मालदीव्स में चलाई जा रही है, वो है द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। 7 किलोमीटर ये लंबा पुल है और जिससे माले के आसपास तमाम इलाकों में इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो ऐसे न जाने कितने अनगिनत परियोजनाएं हैं और ऐसे न जाने कितनी मदद हमेशा से भारत सरकार की तरफ से की गई है। कुछ ऑपरेशंस जब मालदीव में संकट के दौर से गुजर रहा था तो भारत सरकार की तरफ से जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं उसका मैं अगर जिक्र मैं करूं तो 2014 में ऑपरेशन नीर, जब मालदीव पानी के संकट से गुजर रहा था तो भारत की तरफ से इस ऑपरेशन नीर के जरिए मालदीव के लोगों की प्यासें बुझाई गई। 2004 का ऑपरेशन सी वेव्स, जब भूकंप के झटकों से मालदीव दहल गया था तो उस वक्त भी मदद जो है भारत सरकार की तरफ से पहुंचाई गई थी। 2018 की घटना जब विद्रोही मालदीव में घुसे थे तो भारतीय सेना की तरफ से ही उस कोशिश को, विद्रोहियों की कोशिश को नाकाम किया गया था। और इसकी तारीफ खुद पूर्व रक्षा मंत्री मारिया की तरफ से भी की गई है कि जब भी हम मदद के लिए भारत सरकार से अपील करते तो तुरंत बिना समय गवाए भारत सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाती है। जैसे हम यहाँ पे 108 की मदद 108 के जरिए मदद लेते तो वैसे ही मालदीव में 911 नंबर डायल करते तो भारत सरकार की तरफ से तुरंत मदद मुहैया करवाई जाती। तो देखिए, सिंपल सी बात है, चीन की नीति है कि एक शॉर्ट टर्म एक इस तरीके से सपने दिखाकर चीन जो है उस देश को अपने पक्ष में लाता है, कर्ज में डुबो देता है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी तमाम परियोजनाएं वहां पे चलाई जा रही है, लेकिन कर्ज के बोझ में अभी से ही मालदीव को डाल दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर भारत है जो अनकंडीशनली अपनी मदद हमेशा से पहुंचाता रहा है।